नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पबजी अपने मोबाइल पे कैसे खेल सकते हैं। 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है इंडिया में, तो लोग काफ़ी बोर हो रहे हैं घर पे बैठे हुए। या तो आप कुछ सीख सकते हो अपने यूट्यूब से, कोई ना कोई स्किल सीख लीजिए जिस जो कि आपके करियर में आगे काम आएगा। उसके साथ ही साथ अगर आप अपना मनोरंजन करना चाहते हैं तो गेम्स हैं जैसे कि पबजी, ऐसी गेम्स आप खेल सकते हो अपने मोबाइल पे। लेकिन आपको मैं पहले ही वार्निंग दे देता हूँ, इस गेम को आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ही खेलें, इससे ज़्यादा मत खेलिएगा। लेकिन काफ़ी अच्छी गेम है, अगर आपने इसको खेलना है तो इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस गेम को खेल सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको इस गेम को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। मैं अभी आपको बता देता हूँ आपको कैसे डाउनलोड करना है इसको। आपके मोबाइल में आपको प्ले स्टोर में जाना है, ये रहा प्ले स्टोर, इसमें आपको सर्च करना होगा पबजी मोबाइल। ये देखिए, इसमें दो वर्जन है, एक पबजी मोबाइल लाइट और पबजी मोबाइल सेकंड एनिवर्सरी। अगर आपका फ़ोन अच्छा है तो आप पबजी मोबाइल ही डाउनलोड कीजिएगा, वैसे पबजी मोबाइल लाइट भी चल जाती है, लेकिन मेरे पास जो इंस्टॉल्ड है वो है पबजी मोबाइल सेकंड एनिवर्सरी। और मैं अभी आपको यही गेम डाउनलोड करने के लिए बोलूँगा, आपको अभी दिखा देता हूँ मेरे पास जो पड़ी हुई है। ये देखिए, इंस्टॉल होने के बाद आपके यहाँ पे लिखा रहेगा ओपन, आपको यहाँ से इसको ओपन करना है। कुछ ऐसे ये खुल जाएगी गेम, लोड होने में थोड़ा टाइम लेगी ये, तो आप इसका वेट ज़रूर कीजिए। खुलने के बाद ये स्क्रीन आएगी आपके सामने, तो इस पर आप लॉगिन कर सकते हो थ्रू ट्विटर, फेसबुक या फिर और भी ऑप्शंस हैं, ले गेम्स करके भी है। लेकिन आपको मैं यही सुझाव दूंगा, अगर आपका फेसबुक अकाउंट है तो वो इसके साथ लिंक कीजिए आप। मैं आपको अभी इसको लिंक करके दिखा देता हूँ अपने ट्विटर के साथ, क्योंकि मैं ट्विटर यूज़ करता हूँ, फेसबुक कम ही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं ट्विटर पर क्लिक करता हूँ, सबसे पहले ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे जाएंगे आप, ऑथराइज ऐप करिए, ऑथराइज करने के बाद ऐसे आपकी विंडो लोड होगी अगली। इस नई विंडो में आप अपना रीजन सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से रीजन सिलेक्टेड है तो कंटिन्यू करते हैं। अपना जेंडर सिलेक्ट कीजिए, मेल, कोई भी यहाँ से आप चेंज उठा सकते हैं, मैं बाई डिफॉल्ट जो है वही रख रहा हूँ। और यहाँ से आप अपना नाम चेंज कर सकते हो, जो भी आपने नाम रखना है वहाँ पे अपने गेम में, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ मोहम्मद कर। ये एक्चुअली एक मेरा ब्रांड नेम है तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप अपनी कपड़े क्रिएट कर, ये याद रखिएगा आपका यूजर नेम होगा। कभी भी अगर आपका कोई फ्रेंड बोलता है कि मैं आपके साथ गेम खेलना चाहता हूँ पबजी में, तो उसको अपना भी यूज़र नेम बता दीजिए, मेरा यूज़र नेम है गुमक्का। इसके बाद ऐसे ये लोड होगी गेम, यहाँ से ये पूछेगा कि आप रुकी हो या प्रो, रुकी मीन्स कि पहली बार खेल रहे हो, अगर आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो आपको रुकी सेलेक्ट करना है। अगर आप पहले खेल चुके हैं गेम तो आप प्रो भी सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं वैसे खेल चुका हूँ लेकिन आपको दिखाने के लिए रुकी सेलेक्ट करता हूँ। रुकी सेलेक्ट किया हुआ है, ओके कर देता हूँ। यहाँ से आप देखोगे ऊपर जो है टैप स्टार्ट टू प्ले अ मैच, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको साथ के साथ गाइड देता रहेगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, सबसे पहले जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैचिंग होनी शुरू हो जाती है गेम में, जो आप टीम बनाते हो उसकी। इसको थोड़ा टाइम लगता है लोड होने में, तो आप चिंता मत कीजिए, लोड हो जाएगा ये, क्योंकि आपका इंटरनेट का जो स्पीड है वो भी डिपेंड करता है इस पर। अब ऐसे ही आपकी एक टीम बन जाती है, इस टीम में आपको खुद ब खुद सिस्टम ऐड कर देता है, और जब तक इसमें 100 प्लेयर ज्वाइन नहीं होते तब तक आपको इस पर थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। अभी हमारे 4 जो बंदे हैं वो लेफ्ट साइड में, ये ऊपर जो देख रहे हो आप वो हमारी टीम है, ठीक है। इनमें से मैं खुद भी किसी को फॉलो कर सकता हूँ, नहीं तो सिस्टम खुद ब खुद मुझे बोल देता है इसको फॉलो कर लो। फॉलो करने का मतलब होता है कि जो भी इस टीम को आप जिस आपको जिसने भी आपने जिसको भी फॉलो किया इस टीम में, वही बंदा जो है वो पैराशूट के ज़रिए आपको नीचे उतारेगा जहाज़ से। तो अभी जैसे कि मैं आप देख सकते हो मैं 4 नंबर को फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं चाहूँ इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ,
तो अभी हम जहाज़ में चढ़ जाएंगे। ये हम लोग जहाज़ में चढ़ गए। यहाँ से मैं मैप सेलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन से मैप पे हम लोग उतरने वाले हैं। यहाँ पे देखते हो आप रिमूव मार्कर और मार्क माई लोकेशन की ऑप्शन है। तो आप जो चार नंबर वाला बंदा है उसको, जो भी बंदा आपको उतारा रहा है उसको दिखाने के लिए यहाँ पे मार्क भी कर सकते हो कि यहाँ हमें उतार दो। जैसे कि अभी मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे मिलिट्री जो वाला बेस है वहाँ पे, देखते हैं कि ये बंदा हमें वहाँ पे उतारता है या नहीं। अगर आप चाहते तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो अपना मार्क, ठीक है। अभी दिखाने के लिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप इसमें से सलाम कैसे मारते हो। यहाँ से अनफॉलो करना पड़ेगा मेरे बंदे को। यहाँ पे जंप की ऑप्शन आ जाएगी अगर आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे हो तो यहाँ से आप सिंपली जंप पे अगर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से उतर जाएंगे। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था मार्क जो है वो मैं मार्क कर सकता हूँ कि ये, चलो मैं मार्क करता हूँ ये लोकेशन फार्म, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं पहुँचने वाला जहाज़ तो यहाँ पे जंप कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से आप देखते जा सकते हो कि आपका जहाज़ कहाँ पे जा रहा है। और यहाँ से अगर ऊपर का ऊपर की ओर आप ड्रैग करोगे इसका जो आइकॉन है तो ये तेज़ी से नीचे जाएगा। और यहाँ से जो स्पीड है वो आप सब चेक कर सकते हो कितनी स्पीड पे नीचे जा रहा है। आप डायरेक्शन दे सकते हो उसको किस तरह जाना है, ठीक है। यहाँ से जो राउंड वाला ये बना हुआ है ये आपका अभी पैराशूट खुल गया है, इसकी स्पीड जो है वो आप बढ़ा सकते हो ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करके राइट साइड के कंट्रोलर को। यहाँ पे ये जो स्पीड का रहा है वो वाला कंट्रोलर, ये हम उतर चुके हैं। आगे जाने के लिए ये ऊपर कर दो आप, लेफ्ट जाने के लिए ये साइड में आप कर लो इसको, राइट जाने के लिए ऐसे कर लो, अगर ऐसे करना नीचे तो पीछे आना ऐसे कर लो। उसके साथ ही साथ ये जो कंट्रोल्स हैं ऐसे आप बैठ सकते हैं, ऐसे आप लेटोगे और यहाँ से आप जंप लगा सकते हो। जैसे ये देखिए अब भागते भागते जैसे मैं जा रहा हूँ इसको एकदम से जंप लगाना है, ये जंप लगा दिया मैंने, ठीक है। अभी और भी आपको दिखाता हूँ सेटिंग्स। सबसे पहले मुझे एक गन चाहिए होगी, ऐसे अगर आप भागते जाओगे तो तेज़ भागेगा। ये जो ऊपर मैंने ड्रैग करके रखा हुआ है ये आगे बंदे आ गए हैं। यहाँ से देखिए जैसे आप पास जाओगे तो हेलमेट इसने खुद ब खुद उठा लिया है, ठीक है। जो भी सामान इसको चाहिए होगा वह खुद ब खुद उठाता जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन ऑन रहती है, इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अभी भाग रहा हूँ क्योंकि बंदा मेरे पीछे आ रहा है। मैप से ये देखिए ऊपर दिखा रहा है ना, वो मैप भी दिखा देता है कौन सी डायरेक्शन में बंदा है। ये जो टॉर्च सी बनी हुई है ना जो सामने की तरफ देख रही है, ये बंदा है वहाँ पे, वहाँ से बात आ रही है। ये देखिए यहाँ से अभी गन उठा लेगा अपने आप को, ये मैंने गन उठा ली, ठीक है। अभी ये हाईलाइटेड नहीं है, इसका मतलब मैंने गन हाथ में नहीं पकड़ी हुई। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा हाथ में पकड़ लेगा ये गन, ये देखिए। और जो फायर करने के लिए ये राइट साइड में और लेफ्ट साइड में बने हुए हैं गोली के निशान, इसको मैं यूज़ करके टैप करके फायर कर सकता हूँ। इसकी सेटिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो और उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। पहले अभी जो बंदा देख रहा था मैं उसको देखता हूँ किधर है वो। ये देखिए यहाँ से बैग भी खाएगा ये, ये धुआं करने के लिए होता है। अगर कोई आ जाता है तो धुआं फेंक के आप बच के बैठ सकते हो। ये देखिए मेडिकल किट है, अगर आपको गोली लगती है तो ये मेडिकल किट खाने से आपका हेल्थ रिकवर हो जाती है। अभी मैं देखता हूँ किस तरफ थे बंदे। ये जो मैंने गन्स उठाई हुई है ये इतनी कारगर नहीं है लेकिन फिर भी जान बचाने के लिए काफ़ी अच्छी है। जो बेस्ट गन है वो मैं आपको अभी बताता हूँ इसमें आगे अगर मिलती है तो। ये बैग है, खुद ब खुद जो अच्छी चीज़ है वो उठा लेगा ये और दूसरी से रिप्लेस कर देगा, बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। अब इसको बिल्कुल जैसे डायरेक्शन को फॉलो करके मैं भाग रहा हूँ, ये देखिए बंदा इसको मैं भाग देता हूँ, ये देखिए मैंने इसको इंजर्ट कर दिया। इसको डायरेक्शन की तरफ देख कर आप ऐसे गोली लगा सकते हो, ये मर जाएगा इतना भी, ये मर गया। और इसके पास जाके इसके पास जो भी सामान था वो आप उठा सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके बॉक्स के ऊपर। और ये जो ऊपर मैंने गन दिखाई है आपको ये M762 ये अच्छी गन है तो इसको उठा लो, इसके रिलेटेड जो भी गोलियाँ वे खुद ब खुद पिक कर लेना। और साथ के साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि लेफ्ट साइड में ये नीचे जो बैग है ये आपका बैग फुल ना हो, जब फुल हो जाता है तो इसके पास रेड इसके जो आउटलाइन है वो रेड हो जाती है जिसका मतलब होता है बैग फुल, तो कोई और सामान ये उठा नहीं पाएगा। तो इसके लिए आपको पहले सामान ड्रॉप करना पड़ेगा फिर ही नया सामान उठाएगा ये। सामान ड्रॉप करने की भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। ये देखिए अभी 4x ये मतलब हमने जूम उठा लिया इसने खुद ब स्कोप बोलते हैं इसको। इसका ये बैग है, बैग में ये सामान पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी जैसे मुझे ये सामान नहीं चाहिए वो सामान मैं अभी निकाल दूंगा, इसमें खुद ब खुद बता देता है कि कौन सा सामान आपके यहाँ पे लगेगा या नहीं। अभी मेरे पास ये गन है मैंने पकड़ी है, इस पर मैं पहले जूम को
इक्विप करता हूँ, मतलब चढ़ाता हूँ इसके ऊपर। ये चढ़ गया जूम, ठीक है। अब मैंने देखना है कि जूम से कितनी दूर तक मैं देख सकता हूँ। जूम को देखने के लिए ये राइट साइड में जूम का बटन पड़ा है, स्कोप के पहले बंदा आ रहा है, इसको देखता हूँ मैं। ये मार दिया मैंने इसको। अभी देखिए ये जो गन है स्कार, ये भी बहुत अच्छी गन है, तो इसको रिप्लेस करके मैं स्कार उठा लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको ड्रॉप कैसे करना है। बैक के ऊपर क्लिक कीजिए और राइट साइड में अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको ये जो नहीं चाहिए चीज़ें वो ये है। जैसे इसको इनको राइट साइड में ड्रॉप की ओर तरफ मैं फेंकूंगा तो ये खुद ब खुद निकल जाएंगी बैग में से, ठीक है। और ये है साइलेंसर, अगर आप गोली चलाओगे तो सामने वाले बंदे को पता नहीं लगेगा, वो भी आप चढ़ा सकते हो अपने इस पे बंदूक पे। और ये देखिए जो पहली वाली गन थी उसमें से मैंने गोलियां फायर की थी, तो इसमें अभी गोलियां जो है 18 रह गई इस लेफ्ट साइड में। इनको मैं रीलोड कर लेता हूँ ताकि गोलियाँ ज़्यादा चढ़ी रहें इसमें, तो यहाँ से राइट में क्लिक करूँगा, ये गोलियाँ फिर का स्कूल रीलोड हो जाएंगी और फिर से 30 हो गई। देखिए फिर बंदा आ रहा है, देखना अभी आप ये सामने बंदा देखना। तीन बंदे मार दिए मैंने, अभी देखना इसमें सामान भी उठाएगा ये, क्योंकि जो जो अच्छा अच्छा सामान है ये खुद ब खुद उठाता है, ठीक है। अभी फिर देखिए 17 गोली रह गई इसमें, इसको रीलोड करता हूँ मैं। अब देखिए मैं डायरेक्शन में भागूंगा इसकी, ये मैप में से आपने देखना है, ये जो सर्कल आप देख रहे हो बड़ा सा, इस सर्कल में ही रहना है आपको, और जो रेड सर्कल है इससे दूर रहना है। ये इसमें विस्फोट होते हैं जिससे बंदा खुद ब इंजर्ड हो सकता है। और ये जब भी कोई व्हीकल देखेंगे तो वहाँ पे दो ऑप्शन आएंगी, ड्राइव या गेट इन की, तो आपको ड्राइव करके उसको ड्राइव कर सकते हो आप। ये कंट्रोल्स हैं, लेफ्ट साइड में ब्रेक है, ऊपर बूस्ट है अगर आप तेज़ भागना चाहते हैं तो। अब ये देखते हैं मैं किस तरफ जाना है, मैंने मैप की ओर देखें आप और उस तरफ जाएँ जिस तरफ आपके साथी गए हों, अगर आप उनसे बिछड़ चुके हैं तो। देख कर फॉलो करके चलाएं गाड़ी को बस। ये वैसे ही है जैसे आप नीड फॉर स्पीड अगर आपने गेम खेली है कार वाली, ऐसे ही कंट्रोल्स हैं सारे, बस आपको फॉलो करके भागना है वहाँ से। अभी ये देखिए ऊपर जो तीन नंबर दिखा रहा है वो मेरे साथ वाला टीम का बंदा है, जो भी आपकी टीम का बंदा होगा उसका नंबर आपको दिखाएगा ये बैक में, तो बेस्ट रहता है अगर आप अपनी टीम के साथ रहें। ये देखिए इसको मैं अभी बोलूँगा कि मेरे साथ बैठ जाए, ये हॉर्न मार दिया मैंने इसको, उसकी मर्ज़ी है, अगर वो मेरे साथ बैठना चाहे तो बैठ सकता है। ये दो नंबर भी पास ही है, शायद इसके पास अभी सामान नहीं होगा तो सामान इकट्ठा कर रहा होगा, मैं भी एग्जिट करता हूँ। तो गाड़ी आ रही है यहाँ पे, मेरे साथ वाला बंदा जो था वो गाड़ी लेके भाग गया। देखिए काफ़ी होते हैं इसमें खुरापात लोग करते हैं, गाड़ी लेके मैं आया लेकिन भाग हो गया लेके कोई बात नहीं, किसी दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखिए ये जो जो बैग है ये लेवल 3 का बैग, ये खुद ब खुद उठाएगा यहाँ से, क्योंकि ये उससे बढ़िया बैग है। अगर नहीं भी उठाता तो यहाँ से क्लिक करके आप लेवल 3 के बैग को पिक करें और पेन किलर ज़रूर लें। जब भी कहीं पे आपको अगर गोली लगती है तो ये पेन किलर जो है वो आपका बुलेट फिर से सेट सही कर देती हैं। जब भी आप खेल रहे हो गेम इसमें मैप में ज़रूर देखें, वहाँ पर आपको सारा पता लग जाता है कहाँ से कोई बंदा आ रहा है। या देखिए फायर आया यहाँ से, इस तरफ है बंदे, मैं इस तरफ जा रहा हूँ, सामने बंदा दिख रहा है, मैंने मैप इस पर स्कोप लगाया था, तो ये देखना अभी इसको आप अच्छी तरह दिखा रहा है मुझे, इसको मैं भी गोली मारूंगा दूर से, देखिए पड़ी इसको गोली। दूर है ना काफी, तो अच्छी तरह से, एक तो स्कोप भी हिल रहा है। ये गन खाली होगी, देखो रेड का मतलब खाली होगी गन, इसको मैं दूसरी गन से मारता हूँ। देखिए इंजर्ड कर दिया इसको मैंने, देखिए अब मेरे पास जो ये वाली गन है इसकी गोलियाँ हो गई हैं ख़त्म, तो मेरे को इसकी गोलियाँ भी ढूंढनी है। देखता हूँ ये सामने जाके, ये जो नया वाला मोड है पबजी का, इसमें एक नई एडिशन इन्होंने जोड़ी है, इसमें जो ये पार्क बनी है इसमें सारा सामान आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है,
और अम्यूज़मेंट के लिए काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। तो ये गेम काफ़ी एंटरटेनिंग है हर लिहाज से। अभी ये देखिए लेफ्ट साइड में अगर आप देख सकते हो, ऊपर बंदे जो हैं मेरे साथ वाले, उनमें से एक बंदा जो है उसकी रेड लाइन दिखा रहा है। रेड लाइन का मतलब है उसको गोलियां लगी हैं, इंजर्ड है वो बंदा। ये लेवल 2 वेस्ट उठाई मैंने अभी, मतलब कहने का कि इसमें लेवल 3 तक की वेस्ट होती हैं, आपको गोली लगने से बचाती है ये, मतलब काफ़ी गोली का जो डैमेज है उसको रोक लेती है। अभी मैंने जैसे आपको बताया था मेरे पास गोलियां कम है उसकी, तो ये देखिए अभी गोलियां 30 इसकी उठा ली हैं मैंने, गन की खुद ब खुद उठाई हैं। ये और पड़ी हैं इसकी गोलियां, ये देखना यहाँ से भी उठा लेगा ये देखिए। मतलब जो आपके पास बंदूक होगी उसके रिलेटेड जो गोलियाँ हैं वो खुद ब खुद भी पिक कर लेता है ये, और आप खुद भी उठा सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो। डिपेंड करता है कि आप कौन सी गोलियां रखना चाहते हो, अगर नहीं है तो ये खुद ब खुद उठाएगा, अगर है आपको लेकिन फिर भी आप थोड़ी और लेना चाहते हो उसकी गोलियां तो वो आप खुद पिक कर सकते हैं, वो ऊपर वाला जो बटन मैंने आपको दिखाया था लास्ट में वो देख के। होपफुली आपको काफ़ी हद तक समझ तो आ चुकी होगी इसके बारे में। अभी ये देखिए ये मोटरसाइकिल है, इसको भी मैं ड्राइव कर सकता हूँ। ये देखिए ऑप्शन आ गई ना ड्राइव और गेट इन की, ड्राइव पे क्लिक किया मैंने, ये चढ़ गया इतना। और ये मैप देखिए, मैं मैप से बाहर हूँ अभी, ये जो सर्कल है सर्कल से मैं बाहर हो चुका हूँ, वाइट वाला इसके अंदर अंदर रहना मुझे, अभी भागता हूँ। ये देखिए मेरा जो मुँह है वो सर्कल की तरफ अब जा रहा है, आप ऊपर मैप में भी देख सकते हैं, तो इसको बस फॉलो कीजिए आप। सर्कल में जितना हो रहना चाहिए आपको। और रेड यहाँ पे एक डेंजर जोन होता है, जो डेंजर जोन होता है उसको बोलते हैं, ये जो नीला वाला है ना, ये जोन साथ के साथ बढ़ता रहता है, तो इस जोन से आपको जितना दूर रह सकते हैं रहिए, क्योंकि ये जोन जो है इससे आपका जो ब्लड है वो कम होता जाता है, इंजर्ड करता है आपको ये जोन। एक रेड वाला और एक ये ब्लू वाला, इन दोनों जोन से आपको दूर रहना मार सकता हूँ। ये ब्रेक का बटन है, मैं ब्रेक के बटन पर क्लिक किया, देखिए ये उतर गया मैं, आगे चलते हैं घर में। हमेशा डोज करके भाग रहा, अगर आपको लगता है पीछे आपको कोई है तो ऐसे डोज करके अगर भागेंगे तो जल्दी आपको गोली नहीं लगी, देखिए ऐसे डोज करेंगे तो, क्योंकि फिर गोली मारने के लिए फोकस नहीं हो पाता बंदे से सामने वाले से, तो इस वजह से आप ऐसे भागें हमेशा डोज करते हुए। मैं सोच रहा हूँ कि ये देखिए मेरा जो साथ वाला 2 नंबर वाला बंदा था उसकी भी, उसको गोली लग गई और वो गेम से आउट हो चुका है, इज़ डेड। नंबर 3 जो है अब वो अभी बटा हुआ है और एक मैं बटा हूँ, बस 2 बंदे हम रह गए हैं, और हम लोगों ने मारने हैं तकरीबन 44 बंदे। तो देखता हूँ क्या होता है आगे, 4 बंदे तो मार दिए मैंने, अभी देखिए 43 रह गए, मतलब साथ के साथ जो मरते जा रहे हैं वो अब वहाँ से माइनस हो जाते हैं। यहाँ पे जो मैंने अम्यूज़मेंट पार्क की आपको बात बताई थी, ये नया एडिशन है पबजी का, इसमें आप साथ के साथ ये गेम्स भी खेल सकते हो। यहाँ पे जाओगे तो कॉइन डालने के लिए बोलेगा, यहाँ पे कॉइन पे क्लिक कीजिए तो अंदर आप और भी गेम्स खेल सकते हैं, बहुत एंटरटेनिंग बना दी उन्होंने गेम। तो देखिए अभी 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 गोली पड़ गई है मुझे, तो मैं बाहर निकलता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, देखिए गोली पड़ गई मुझे, इधर से पड़ी कहीं से देखता हूँ। कैसे कैसे पट रही है गोली, पटक देता हूँ मार दिया। अगर मैं कोई गेम खेलता रह जाता तो अभी तक वो मुझे मार देते। तो यहाँ से एक ये गन है कार 98, ये गन काफ़ी अच्छी है, इस गन से आप फोकस करके दूर से गोली मार सकते हैं आराम से, लेकिन अभी आप नए हो तो इस गन को मत लेना, जो फास्ट फास्ट गोली निकलती वही गन आप उठाओ। जैसे ये एक कार मैंने बताई आपको, एक M416 करके गन है, वो भी बहुत अच्छी गन है, ये वाली गन ही उठाना आप, क्योंकि इसमें से फटाफट गोली निकलेगी, क्योंकि आपका फोकस सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, उससे पहले आप इन गनों से खेलिए। अभी मैंने जो 2 गन्स उठाई हुई हैं ये बेस्ट गन्स हैं, तो इन्हीं से मैं खेल रहा हूँ। अभी जो मेरे साथ वाला 3रा बंदा भी था वो भी मर गया है, ये देखिए आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में। तो अभी भागता हूँ मैं, देखता हूँ और कितने बंदे मारने हैं मुझे, 25 बंदे हैं,
मेरे को डाल के, मतलब 24 बंदे हो और मैंने अभी मारने, अगर मुझे जीतना है तो चलो देखते हैं क्या होता है। अभी बैग उठा, अपना मोटरसाइकिल उठाता हूँ मैं और आगे जाता हूँ, सेंटर में जाता हूँ सर्कल के। देखिए ये सर्कल है, इसके सेंटर में ब्रोजोक जो दिखा रहा है उसके पास कहीं पर जाता हूँ। ये सेंटर छोटा हो, ये जो सर्कल है वो छोटा होता जाता है। ये देखिए अभी बंदा एक और डाल रहा है, इसको कोशिश करूँगा। ये अभी करता हूँ, यहाँ एकदम चलती बाइक से मत करिएगा, ये तो आपका ब्लड लॉस होगा और अल्टीमेट डेथ। यहाँ पे मैं बंदे की तरफ जा रहा हूँ, इधर तो कर दिया उसको, साइड में एक और बंदा है, इसको मार देता हूँ। देखिए ये बंदा है, देखिए जैसे कि मुझे गोलियां लगी थी तो मेरी थोड़ी सी हेल्थ ख़राब हुई थी, इसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ये जो कोल्ड ड्रिंक है इस पर क्लिक करना है, ये खुद ब खुद पीने लग जाएगा। इससे एनर्जी ड्रिंक से एनर्जी बढ़ेगी और मेरा जो ये वाइट है ब्लड वाइट ही रहेगा। इसको कोशिश कीजिए आप रेड में मत आने दीजिए, ऐसे जो मैंने आपको पेन किलर पहले दिखाए थे वो पेन किलर बीच में खाते रहिए और ये एनर्जी ड्रिंक्स पीते रहिए, तो खुद ब खुद सेट रहेगा आपका जो हेल्थ है। हेल्थ सेट होने से क्या होता है कि आपका बंदा फास्ट मूव होता है। ये देखिए यहाँ पे भी और भी थी, मैं ये भी ले लेता हूँ। अगर जो छोटा आ रहा है उसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बता देगा क्या क्या है मेरे पास पीने के लिए। ये देखिए मेरे पास फुल हेल्थ स्टोर करने के लिए भी एक पड़ा हुआ है, लेकिन अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये पेन किलर है, अगर पेन किलर खाता हूँ तो ये हेल्थ को रिस्टोर कर देता है, लेकिन थोड़ा टाइम लेता है ये, लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ है सारा सामान, तो आपको इस सामान को उठाते रहना, ये याद रखिए आप अगर कहीं पर भी मिलता है रास्ते में। और सर्कल से हम हो चुके हैं बाहर, फिर से मैं देखिए ये सर्कल छोटा हो गया, इसकी तरफ जा रहा हूँ। बंदे रह गए हैं 11 मेरे को डाल के, मतलब 7 बंदे मैंने मार दिए हैं अभी तक। ये नीचे आप जो बैग के साथ दिखा रहे हैं, ये दिखा रहा है इसमें कितना अभी फ्यूल बाकी है, ये भी इसके भी ऊपर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर फ्यूल खाली हो जाता है तो फिर ये आगे नहीं बढ़ता है। और किसी चीज़ से टकराइएगा मत, क्योंकि अगर टकराओगे तो भी आपका जो ब्लड है वो लो सकता है। और आराम से चलाइए डायरेक्शन फॉलो करते हुए आगे देखिए, स्क्रीन को अगर आप नीचे ऊपर करेंगे तो ये आपको आगे पीछे कर जाएगा। अगर आप अपनी सराउंडिंग्स देखना चाहते हो विदाउट अपनी डायरेक्शन लूज़ किए हुए, तो इसके लिए आपको जहाँ पे आप बैठे हुए हैं जहाँ पे ऊपर जो आई का निशान है इसके ऊपर क्लिक करके इसको ड्रैग करना है, ये आपको सारी लोकेशन आपके पास वाली दिखा देगा कि आप कहाँ पे हो, आसपास कोई बंदा तो नहीं है। चलो ठीक है, आगे ये देखिए जो सामने जा रही है ना ये, इसको मैं आपको स्कोप करके बताता हूँ पहले। ये जो पैराशूट, इसमें सप्लाई होती है जिसमें काफ़ी अच्छी गन्स और काफ़ी अच्छा असला वगैरह होता है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो अपने फ़ायदे के लिए, ताकि सामने वाला बंदा आपको आसानी से मार ना पाए। मैं इसी तरफ जा रहा हूँ, देखता हूँ आप ये बंदा बच गए, नहीं करता हूँ उसमें से, देखिए स्लो करके फिर मैं उतरा हूँ, क्योंकि एकदम से उतरोगे तो आपका ब्लड जैसे मैंने बताया था आपको लॉस होता है। अभी पहले बंदे की तरफ जाता हूँ, उसको मारते हैं, अगर मार पाया तो मैं, एक नहीं दो बंदे हो गए। ये रात अंदर से हरा रहा है, यही मर गया, इसकी भी गोलियाँ उठा ली मैंने। इसको अपनी गन को रीलोड करना मत भूलिए साथ साथ। ये देखिए अभी जोन मेरी तरफ भाग के आ रहा है तेज़ी से, जोन में मैं मर सकता हूँ, मुझे कोशिश करनी इस जोन से दूर ही रहना है मुझे। देखिए इसमें मैप में दिखा देगा, ये देखो जोन बिल्कुल पास ही है, तो मुझे पूरी ये साथ में टाइमिंग बताता है, ये जो देख रहे हो आप नीचे 00, इसका मतलब
जोन जो है वो आकर रुक चुका है एक जगह पे, और दूसरी बार जब जोन आएगा तब के लिए हमारे पास 1 मिनट 54 सेकंड अभी पड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं पहले ही भागकर अच्छी स्थान पे चले जाता हूँ ताकि मुझे आसानी रहे देखने में कि कौन आ रहा है कौन नहीं, और जोन से बच के मैं जो बाकी के बंदे रह गए उनको मार सकता हूँ। जैसे कि देख सकते हो आप, 8-7 बंदे रह गए अभी मेरे को डाल के, मतलब 6 बंदे मुझे मारने हैं। तो चलते हैं देखते हैं सर्कल में, तो मैं आपसे अब देख सकते साथ के साथ छोटा हो गया। अभी एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आपको, ये जो मेरा बैग है ये देखिए ये पूरा लाल हो चुका है, मतलब इसमें सारा सामान फंस चुका है और कोई चीज़ मैं नहीं ले सकता इसमें। तो मैं देखता हूँ कौन सी चीज़ मैं इसमें से निकाल सकता हूँ जो मेरे काम की नहीं है। सभी अभी काम की दिखा रहा है तो उसको पड़े रहने देता हूँ। काफ़ी सामान वैसे भी पड़ा हुआ है मेरे पास और मुझे गन लोड करने की ज़रूरत है, जो मुझे 0 दिखा रहे हैं ना, तो इसको मैं अभी लोड कर रहा हूँ। ये रीलोड हो रही है, 30 आ गई है मेरी अभी, ठीक है। तो इन गोलियों को यूज़ करते हुए हम आगे देखते हैं क्या होता है। तो मैं ट्राई करता हूँ पहले और जाता हूँ सड़कों के बीचों बीच। बंदे हो सकते हैं देखते हैं अभी, अगर कोई बंदा लेटा हुआ है तो वो आपको इसमें दिखाई नहीं देगा, ये याद रखिए मैप में। जब कोई गोली चलाएगा या फिर कुछ हलचल करेगा तभी दिखाई देगा आपको, लेटे हुए अगर कोई रेंग रहा है तो वो आपको दिखाई नहीं देगा मैप में। इससे इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। देखिए गोली चली, इसने मुझे बता दिया इस तरफ है बंदे, देखिए अभी देखते हैं क्या होता है इसका। जस्ट स्क्रीन को ऐसे रोटेट करके आप थोड़ा सा पीक कर सकते हो कि कहाँ पे कोई बंदे हैं या नहीं। पीछे भी अपना ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको वो आई वाला बताया था, ये बंदा आ रहा है, इसकी आवाज़ सुन सकते हो आप धीरे धीरे, देखिए इस तरफ आएगा अभी। बाहर निकल के मार दिया, दे रहा इसको। ये लेटा हुआ था देखिए सामने, बोले यही लास्ट बंदा है, इसको मारना है मुझे। और ये चिकन डिनर जीत गए हम लोग, 10 बंदे मैंने मारे हैं। होपफुली कुछ तो सीखा होगा आपने इसमें, अगर आपने नहीं सीखा तो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट में, मैं और भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ये देखिए जीतने के बाद ये मुझे बताएगा कि मैंने कितने बंदे मारे, क्या मेरे स्टैट्स थे, क्या डैमेज मैंने किया, सारी इन्फॉर्मेशन। जीतने के बाद मैं ऐसे जो गन होती है उसको मैं ऐसे चलाना बड़ा कर सकता हूँ। इसमें मेरे पास और इतना सामान था, ये मैं आपको सारा दिखाता हूँ। ये देखिए इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पीजिए। ये बम है, इसको फेंक के दिखाता हूँ कैसे फेंक सकते हो आप। यहाँ से उठाइए बम, हाथ में आ गया आपके, इसको ऐसे पकड़िए और डायरेक्शन दीजिए आपको, ये 6 5 4 3 2 1 अभी फट जाएगा देखना। ये फेंक दिया मैंने, ये फट गया। और ये है पेट्रोल बम, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ये पेट्रोल बम के फेंक गिरता है, ये देखना। जो भी बंदा इसके पास आएगा वो मर जाएगा। इस पर इसके बाद आपको कंटिन्यू प्रेस करना है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन जिसने बता दी, ये 3 बंदे हम लोग गए थे। MVP का मतलब होता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, तो ये मैं था। 10 बंदे मैंने मारे, 4 बंदे पहले वाले ने और 3 बंदे ये इस बंदे ने। जो टोटल डैमेज मैंने किया वो था 1649 का। तो ये चीज़ें होती हैं सारी। इसके बाद अगर दोबारा से आप गेम खेलना चाहते हो तो आपको लॉबी पे क्लिक करना होता है, वापस आप फिर से लॉबी में चले जाते हो।
यहाँ से आपको आके बताता रहता है कि आपको कौन से, अगर आपने कोई मिशन पूरा किया तो मिशन के आपको पॉइंट्स मिले हैं, ये यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो आप क्लिक करके। डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पे कि कितनी फास्ट आपका जो इंफॉर्मेशन वो निकलती है, तो ओके कर दीजिए। यहाँ से आपको बताते हैं कि ये पॉइंट्स आपको मिले, इसको गो करके तो गो भी कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं, मैं गो कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। इन पॉइंट्स की वजह से आपका काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। तो आशा करता हूँ कि कुछ सीखा होगा आपने इस वीडियो से। खेलिएगा पबजी अपना टाइम पास करने के लिए। अगर मेरे साथ किसी ने भी गेम खेलना है तो आप मुझे ऐड भी कर सकते हैं इसी आईडी पे, या फिर दूसरी आईडी कोई जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो आपको दे दूँगा। कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे बताइए कमेंट में, मैं आगे और भी वीडियो बना देता हूँ आपके लिए। ऐसे टाइम पास कीजिए अपना। और इसके साथ ही साथ अगर आपने कोई स्किल भी सीखना है कुछ, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप सीख सकते हो, तो मेरे वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।